दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले लेसन में बताया कि कलर को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए कलर थेरी को समझना होगा और कलर थेरी डिपेंड करती है कलर व्हील पे तो आए कलर व्हील के बारे में जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों आइजिक न्यूटन नामी एक बंदे ने 1706 में कलर थेरी को मजीद डिफाइन करने की गर्ज से कलर व्हील को ईजाद किया जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कलर व्हील के अंदर टोटल बारह कलर्स होते हैं ये वही तमाम बारह कलर्स हैं जो कि एक्चुअली स्पेक्ट्रम में मौजूद हुआ करते हैं दोस्तों कलर व्हील के अंदर इन तमाम कलर्स को ह्यू के नाम से भी जाना जाता है कलर व्हील को अगर डिवाइड किया जाए तो इसकी तीन कैटेगरीज बनती हैं वो तीन कैटेगरीज हैं प्राइमरी कलर सेकेंडरी कलर एंड टर्शरी कलर तो चले आए इन तीनों कैटेगरीज के ऊपर एक नज़र डालते हैं दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी कलर की जो कि कलर व्हील के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं प्राइमरी कलर्स में रेड येलो और ब्लू आते हैं ये बेसिकली वो कलर्स हैं जिनके मिक्सचर से हमें बाकी तमाम कलर्स कलर व्हील के अंदर हासिल होते हैं इसी तरह से अगर हम सेकेंडरी कलर्स की बात करें तो सेकेंडरी कलर प्राइमरी कलर्स के कोई से दो प्राइमरी कलर्स के कॉम्बिनेशन से हम बड़ी आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं सेकेंडरी कलर्स में जो कलर्स आते हैं वो हैं ग्रीन पर्पल एंड ऑरेंज दोस्तों येलो और ब्लू कलर को अगर मिक्स किया जाए तो ग्रीन कलर बनता है इसी तरह से ब्लू और रेड को मिक्स किया जाए तो पर्पल कलर बनता है और रेड को येलो के साथ मिक्स किया जाए तो ऑरेंज कलर बनता है इस तरह से हमें हासिल होते हैं हमारे कलर व्हील के सेकेंडरी कलर्स अच्छा अगर अब हम टर्शरी कलर्स की बात करें तो ये बेसिकली प्राइमरी कलर्स और प्राइमरी कलर्स के साथ पाए जाने वाले सेकेंडरी कलर्स के कॉम्बिनेशन से हमें हासिल होते हैं यानी कि जब कोई भी प्राइमरी कलर अपने साथ मौजूद सेकेंडरी कलर के साथ मिक्स किया जाता है तो फिर हमें टर्शरी कलर जो है वो मिलता है मिसाल के तौर पे येलो को अगर ऑरेंज के साथ मिक्स किया जाए तो येलो ऑरेंज बनता है येलो को ग्रीन के साथ मिक्स किया जाए तो येलो ग्रीन मिल बनता है ब्लू कलर को अगर ग्रीन कलर के साथ मिक्स किया जाए तो ब्लू ग्रीन कलर मिलता है ब्लू को पर्पल के साथ मिक्स किया जाए तो ब्लू पर्पल बनता है इसी तरह रेड को अगर पर्पल के साथ मिक्स किया जाए तो रेड पर्पल बनता है और रेड को ऑरेंज के साथ मिक्स करने पे रेड ऑरेंज बनता है ये हैं तमाम हमारे टर्शरी कलर्स अच्छा अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तमाम कलर्स तो कलर व्हील में मौजूद हैं लेकिन ब्लैक और वाइट कहाँ हैं तो चले मैं आपको बताता हूँ ब्लैक और वाइट के बारे में दोस्तों दर हकीकत ब्लैक वाइट और ग्रे ये तीन ऐसे कलर्स हैं जिनको न्यूट्रल कलर्स कहा जाता है या बाजूक इनको अर्थ टोन के नाम से भी माना जाता है दोस्तों किसी भी कलर के अंदर जब हम वाइट को ऐड करते हैं तो उसी कलर का लाइटर वर्जन हमें हासिल होता है जिसको हम टेंट के नाम से जानते हैं मिसाल के तौर पे अगर रेड के अंदर वाइट को मिक्स करें तो पिंक मिलता है जो कि बेसिकली रेड में वाइट मिक्स करने से हासिल हुआ है इसी तरह से अगर किसी भी कलर के अंदर ब्लैक कलर को मिक्स किया जाए तो हमें उसका शेड यानी कि उसी कलर का डार्कर वर्जन हासिल होता है मिसाल के तौर पे रेड के अंदर अगर ब्लैक को मिक्स किया जाए तो मरून कलर बनता है जो कि बेसिकली रेड कलर का शेड है इसके अलावा अगर किसी भी कलर के अंदर ग्रे को मिक्स किया जाए तो उसी कलर की टोन हासिल होती है तो दोस्तों ये तो आपने देखा कलर व्हील के बारे में चलें अब हम बात करते हैं वार्म कलर्स और कूल कलर्स के हवाले से अगर हम अपने इसी कलर व्हील को दो हिस्सों में डिवाइड कर दें तो हम देखते हैं कि हमारे पास तीन तीन कलर्स के दो सेट्स मिलते हैं प्राइमरी कलर्स में से और सेकेंडरी कलर्स में से जैसे कि रेड येलो और ऑरेंज एक सेट बनता है ब्लू ग्रीन और पर्पल एक दूसरा सेट बनता है ये जो रेड येलो एंड ऑरेंज है ये वार्म कलर्स हैं और ब्लू ग्रीन और पर्पल जो हैं ये कूल cool कलर्स के तौर पे जाने जाते हैं दोस्तों कुछ बात करते हैं वार्म और कूल cool कलर्स के ओरिजिन के हवाले से और हमारी लाइफ पे उनके इफेक्ट के हवाले से दोस्तों सूरज की रोशनी या आग इन दोनों को अगर आप बगौर जायजा लें तो आपको इनके अंदर रेड येलो और ऑरेंज दिखाई देंगे जो कि बेसिकली वार्म कलर्स हैं तो इस तरह से आपको पता चला कि रेड येलो और ऑरेंज जो कि वार्म कलर्स हैं उनका जो ओरिजिन है वो भी वार्म ही है इसके बरक्स अगर हम नेचर में देखें तो जो कूल cool कलर्स हैं जैसे कि ब्लू ग्रीन और पर्पल वो हमें पानी में और पौधों में नज़र आते हैं जो कि अपने अंदर कूल cool एलिमेंट्स हैं तो इस तरह से हमें ये अंदाज़ा हुआ कि वॉम कलर्स वार्म ओरिजिन से हासिल होते हैं और कूल कलर्स कूल ओरिजिन से हासिल होते हैं बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से वार्म और कूल cool कलर्स का ओरिजिन वार्म या कूल cool होता है उसी तरह से इनका एक्सप्रेशन भी वार्म या कूल cool ही हुआ करता है मिसाल के तौर पे रेड कलर पैशन एनर्जी और बाजुकात डेंजर को एक्सप्रेस करने के लिए काम आता है इसके बरक्स जो ब्लू कलर है वो रिलैक्सेशन और कामनेस को शो करता है तो लिहाजा रेड जो कि एक वार्म कलर है उसका एक्सप्रेशन भी वार्म है और ब्लू जो कि कूल कलर है उसका एक्सप्रेशन भी कूल cool है दोस्तों इस लेसन में आपने जाना कलर व्हील के हवाले से और वार्म एंड कूल कलर्स के हवाले से आने वाले लेसन में हम बात करेंगे कि ये जो वार्म एंड कूल कलर्स हैं ये हमारी ज़िंदगी पे हमारे मूड पे क्या असर रखते हैं और डिज़ाइन में ख़ासतौर पर ग्राफिक डिज़ाइन में इनका क्या रोल है